दोस्तों अभी के जमाने में व्हाट्सएप कौन यूज नहीं करता, 99% लोग मोस्टली व्हाट्सएप यूज जरूर करते हैं और इंडिया के लोग तो बहुत ही ज्यादा। तो अगर आप भी उनमें से एक हो, आई मीन आप भी व्हाट्सएप यूज करते हो और आपको भी पसंद है कि व्हाट्सएप में नए नए फीचर्स आना और उनको यूज करना, तो प्लीज ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके लिए। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं क्रश वर्ल्ड। गाइस व्हाट्सएप हमारे लाइफ में आने वाले दिनों में बहुत ही खास अपडेट लाने वाले हैं और जिनमें से दो अपडेट ये है कि पहले तो आप अब म्यूट कर सकते हैं और दूसरा ये होगा कि आप नोटिफिकेशन से ही मार्क एज रीड कर सकते हैं। और दोस्तों इन दोनों की मैं जानकारी देता हूँ कि ये क्या है, मेरा कहने का क्या मतलब है। गाइज पहली बात तो हम मार्क एज रीड में जाते हैं और हमारे पास एंड्रॉयड फोन है, मोस्टली सबका एंड्रॉयड ही होता है और उसमें क्या होता है कि कहीं भी अगर कहीं से नॉर्मल SMS आ रहा है और कोई सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली मैसेज आ रहा है SMS, तो उसमें हाँ दो ऑप्शन तो हमसे देखने को मिलते हैं, एक तो रिप्लाई और एक मार्क एज रीड। तो रिप्लाई के बदले काफ़ी फ़ोनों में ये होता है उसको ओपन करके भी आता है ऑप्शन, लेकिन मार्क एज रीड तो सब में होता है। एक ऑप्शन नोटिफिकेशन की बात करूँ मैं, नोटिफिकेशन जो पैनल होती है उसमें जो दूसरा ऑप्शन होता है मार्क एज रीड का होता है, तो हम उसको क्लिक करते हैं तो SMS रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती, अंदर घुस के जाने के देखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी टाइप का व्हाट्सएप एक और फीचर लाने वाला जो मार्क एज रीड होगा। मान लो किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज हमें कर दिया, हमने कहीं से मैसेज मिला तो उस मैसेज को नोटिफिकेशन पैनल से ही उसको मार्क एज रीड कर सकते हैं। वो मैसेज बिना देखे आप मैसेज मतलब सामने वाले को ब्लू टिक दिख जाए, मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज किया और मुझे वो मैसेज अभी नहीं देखना है, लेकिन फिर भी सामने वाले को ये लगे कि मैंने मैसेज रीड कर लिया है, तो आप वहाँ से मार्क एज रीड कर सकते हो नोटिफिकेशन पैनल से विदाउट ओपनिंग व्हाट्सएप। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है और काफ़ी लोगों को पसंद भी आएगा ये फीचर, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता और व्हाट्सएप पे जाके रिप्लाई नहीं कर पाते या फिर रीड नहीं कर पाते, तो वहीं से रीड कर लेंगे और अपने इस फीचर का आनंद ले पाएंगे। और जो दूसरा फीचर है म्यूट का, वो भी नोटिफिकेशन पैनल से आप फास्टली क्विकली म्यूट कर सकते हो किसी भी चैट को, किसी भी ग्रुप चैट को, पर्सनल चैट को म्यूट कर सकते हो कुछ घंटों के लिए या फिर जब तक आप नहीं चाहते अनम्यूट करना तब तक के लिए। नोटिफिकेशन पैनल से ये दोनों आप फीचर यूज कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है कि हमें व्हाट्सएप में जाना पड़ता है और उसको किसी का मैसेज सेंड करने के लिए मैसेज चैट बॉक्स खोलना ही पड़ता है, ओपन करना ही पड़ता है, और जो म्यूट का ऑप्शन है म्यूट का ऑप्शन के लिए भी स्पेशली हमें अंदर तक जाके सेटिंग वेटिंग छेड़नी पड़ेगी ब्ला ब्ला ब्ला, बट ये जो ऑप्शन है ये नोटिफिकेशन पैनल पे आपको मिल जाएगी आने वाले दिनों में। व्हाट्सएप ने अभी तो फिलहाल बीटा मोड पे टेस्टिंग लगा रखा है, बहुत जल्दी आने वाले दिनों में ये ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा, ऑफिशियली रिलीज कर दिया जाएगा इस अपडेट को। तो ये दोनों अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहेगा काफ़ी लोगों के लिए, मोस्टली लोगों के लिए, मेरे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और काफ़ी फ्रेंड्स के भी मैसेज आते हैं और काफ़ी ऐसा टाइम होता है कि मैं उनको उनके मैसेज को रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन फिर ये होता है कि मैं उसके मैसेज को सेंड कर लूँ तो मैं अंदर तक जाना पड़ता है, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं होता, तो इस टाइम पे मैं इसको यूज कर सकता हूँ, काफ़ी अच्छी अपडेट है। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही था, आपको बस इन्फॉर्म करना था कि मतलब आने वाले दिनों में व्हाट्सएप क्या करने वाला है, कैसी मतलब टेस्टिंग कर रहा है और कैसी अपडेट लाने वाला है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना और अगर आप नए हो हमारे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। तो मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।